हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग एक बेहतरीन सफ़र में निकलेंगे, तो आज वो दिन आ गया है दोस्तों। और सुबह के बज गए हैं लगभग 5:20, और हमारे साथ बने रहेंगे जो हमेशा रहते हैं, गृह मंत्री जी। बड़े खुश हैं, तो चलते हैं दोस्तों देर ना करते हुए, क्योंकि लंबी दूरी जाना है और आपको एक बेहतरीन जगह है जो है हम दिखाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बेहतरीन सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आप देख रहे होंगे अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी निकल गए। सुबह सुबह निकलने का दोस्तों दो कारण है, एक तो हमें लंबी दूरी पे जाना है, और दूसरे सुबह सुबह निकलने से ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल चुके हैं, आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेरठ बाईपास पे। ये मेरठ एक साइड रह जाएगा और हम लोगों को आगे जाना है। सुबह के बज चुके हैं 5:50 और हल्का हल्का आप देख रहे होंगे कोहरा, और आगे आगे लगता है और ज़्यादा कोहरा मिलेगा। हम लोग जिधर जा रहे हैं, एक बेहतरीन जगह आपको लेके चल रहा हूँ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। एक गाड़ी आगे भी जा रही है, उनसे भी मिलवाएंगे। गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और ये देखिए आप रास्ते के नज़ारे सुबह सुबह के, अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये देखिए 80 की स्पीड पे ही चल रहे हैं, क्योंकि लंबी दूरी पे जाना है। आराम से जाएंगे दोस्तों, कोई हड़बड़ी नहीं है, और आप बेहतरीन नज़ारे देख रहे होंगे सुबह सुबह के। तो दोस्तों ये है सिवाया टोल। मेरठ से जब आपको हरिद्वार या देहरादून जाना होता है, तो ये पहला टोल पड़ता है यहाँ पे दोस्तों। अब हमारे सफ़र में आएगा दोराला। यहाँ पर शुगर मिल है दोस्तों, बहुत फेमस शुगर मिल है। यहाँ की चीनी जो है बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम प्रवेश करेंगे मुजफ्फरनगर के एरिए में, और ये खतौली भी आता है बीच में, लेकिन क्योंकि खतौली का बाईपास बना दिया गया है, और जैसा कि बड़े बड़े शहरों के बाईपास बन जाने के कारण जो है, जो लंबी दूरी की जो यात्रा करने वाले वाहन हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि शहरों में जो है ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों खतौली जाने वालों के लिए आप देख रहे होंगे ये फ्लाईओवर, इसके राइट हैंड में देखेंगे आप, इसके नीचे से निकल के आप खतौली जा सकते हैं, और उसके बाद ये बाईपास शुरू हो जाता है दोस्तों खतौली का, तो आप सीधे निकल जाएंगे, और हमें सीधे ही चलना है दोस्तों। तो ये रास्ता है दोस्तों दिल्ली से हरिद्वार देहरादून जाने के लिए, तो हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून जाने के लिए रास्ता है दोस्तों, और ये बाईपास बनने से बड़ा ही कम टाइम लगता है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। थोड़ा दूर चल के चाय ले लेते हैं, और हमारे साथ तो रहते ही हैं हमेशा। गुड मॉर्निंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बने रहे लास्ट। और ये हमारा सिंह साहब का ढाबा, तो ले लेते हैं चाय और फिर निकलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों चाय का एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग फिर निकल चुके हैं अपने सुनहरे सफ़र पर, और आप बने हुए हैं मेरे साथ, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे। मुजफ्फरनगर भी हमने एक साइड में छोड़ दिया है, और हम बाईपास पे लगातार बढ़ते हुए दोस्तों। मुजफ्फरनगर बाईपास जैसे ही एंड होता है, तो एक तरफ तो रुड़की चले जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं रामपुर तिराहे से देवबंद की साइड। तो हम लोग देवबंद की तरफ होते हुए दोस्तों सहारनपुर निकलेंगे। अब हम करेंगे देवबंद साइड के लिए टर्न, और ये देखिए दोस्तों ये भी टोल रोड है, और बहुत ही बेहतरीन अच्छा रोड है दोस्तों। मैं एक दो बार इधर से गया हूँ देहरादून जब जाता था, तो इधर से देहरादून भी जा सकते हैं दोस्तों, और इधर से हम लोग सहारनपुर की साइड में निकलते हुए और आगे विकास नगर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, अपने गंतव्य की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे देवबंद में जो है फ्लाईओवर से आप निकल जाएंगे, और आपको जो है ट्रैफिक ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए आप, टोटल फ्लाईओवर से पूरा देवबंद आप निकल जाते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों देवबंद के बाद अब हम टर्न करेंगे सहारनपुर की तरफ, और सहारनपुर के बाद में हम विकास नगर होते हुए अपने गंतव्य पर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम ये टर्न कर रहे हैं सहारनपुर की तरफ, आप देख रहे होंगे साइन बोर्ड। तो दोस्तों काफ़ी समय से आपको हम कहीं की सैर नहीं कराई थी, तो हमने सोचा आपको सैर कराई जाए, और उसी सिलसिले में हम जो है निकले हैं। तो आप देख रहे होंगे बेहतरीन रास्तों के नज़ारे, और अभी हम थोड़ी सी ही समय में जो है सहारनपुर पहुँच जाएंगे, और सहारनपुर के बाद में हम लोग फिर आगे विकास नगर की यात्रा शुरू करेंगे। तो आप बने रहिए, और बेहतरीन नज़ारे आप जो है सड़कों के देखिए दोस्तों,
कि कितनी सुंदर सड़कें बनी हुई हैं और कुछ ही समय में हम सहारनपुर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर, आप देख रहे होंगे सामने मेरा सहारनपुर। तो सहारनपुर से हम निकलकर विकास नगर होते हुए अपनी यात्रा आगे की जारी रखेंगे दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ और यात्रा का पूरा आनंद लीजिए आप भी मेरे साथ में दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं विकास नगर उत्तराखंड के, और लगभग हम चले थे 6:45 और अब 10:15 बज रहे हैं, तो 4 घंटे लगे हैं। 220 किलोमीटर पड़ता है, आराम आराम से आए हैं। और अभी और अब हमें आगे जाना है लगभग 50 किलोमीटर, वो नहीं ना बताएंगे हम आपको कहाँ जा रहे हैं, वो वहीं जाकर आपको बताएंगे। लेकिन गृह मंत्री जी कहने लगे कि कुछ पेट में हलचल हो रही है, पेट कुछ मांग रहा है। मैंने कहा चलो भाई, तो यहाँ रुक गए थे, एक होटल है यहाँ पर, तो पराठे का ऑर्डर दिया है और पकौड़ों का, तो आइए आप भी लीजिए। दोस्तों अब बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चकराता उत्तराखंड, जो कि अभी 30 किलोमीटर है, हम लगभग 240 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये देखिए आप उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, और गृह मंत्री जी बड़े खुश हैं, जब देखो घूमते रहते हैं। तो सस्पेंस खत्म और हम जा रहे हैं चकराता, तो आपको चकराता की सैर कराएंगे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ।
खंड के, जैसा कि मैंने बताया, हालांकि बताया यहीं पर, लेकिन ये देखिए हम जा रहे हैं चक्राता। अभी मात्र 20 किलोमीटर रह रहा है। रिसोर्ट चक्राता में, और ये आप देख रहे होंगे ये प्रकृति अनविंड रिसोर्ट है, तो इसी में हम लोगों की बुकिंग थी। और गृह मंत्री जी साथ में खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे, और ये गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में, ये देखिए। अब मैं दूसरे कैमरे से आपको दिखाएगा। तो गाड़ी लग गई है पार्किंग में, बेहतरीन झरना बहता हुआ, और ये खेलने के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बना रखा है इन्होंने। ये सामने है रूम्स, और ये ऊपर में जो है यहाँ पे इनका किचन है, रेस्टोरेंट है इनका। तो हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट जो है इसी में इंक्लूड था। ये देखिए ये रूम बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, एकदम पीसफुल। ये देखिए, और हमारे रूम ऊपर हैं वो ऊपर वाले, और ये देखिए मैं आपको एक बार झरने का व्यू दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने एक झरना बना रखा है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर। तो अभी मैं आपको रूम का दिखाऊंगा, ये आप देखिए, ये चारों तरफ बड़ा अच्छा जो है इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं रूम में। और ये देखिए वो गाड़ी खड़ी है उधर में सामने, और ये यहाँ पे कुछ बच्चों का खेलने का है इधर, और ये देखिए ये हमारा रूम नंबर 204। आइए चलते हैं रूम में। तो ये रूम है, और ये देखिए दोस्तों ये रूम से व्यू है, चक्राता का एरिया है ये। एक्चुअल में चक्राता वो सामने है वहाँ पे है ना, तो ये थोड़ा पहले ही चक्राता से। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ पहाड़, और गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं चाय की चुस्की लेते हुए। और आप भी आइए चाय लीजिए। तो देखते हैं फिर, अभी तो फिलहाल पहुंचे हैं यहाँ पे, कहीं घूमने की जगह देखेंगे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो बस यही था, चक्राता आना था, तो मैंने कहा चलो भाई आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का व्यू। चाय ठंडी हो रही है, हाँ चाय भी पियेंगे। ये देखिए ब्यूटीफुल, ये देखिए वो सामने रोड दिखाई दे रही है, उसी से हम आए थे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, और मैं इसका व्यू और दिखाएगा आपको जहाँ हम रुके हुए हैं इस जगह का। अभी चाय ले लेते हैं। ये देखिए व्यू, देखिए आप, वाओ ब्यूटीफुल। और वो सामने रोड आप देख रहे होंगे, उस रोड से हम आए हैं, और चक्राता आगे जाने के लिए इधर से इस साइड से हम लोग जाएंगे। और इसमें वो एक और पॉइंट है, चिरमिरी पॉइंट बोलते हैं दोस्तों, वो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ जूम, जिससे वो सामने पॉइंट है दोस्तों, सनराइज और सनसेट का पॉइंट है वो, वहाँ देखेंगे चल के। 12-13 किलोमीटर है वहाँ, यहाँ से चलेंगे वहाँ पे भी। और ये आप देख रहे हैं,
काफ़ी पीसफुल जगह है दोस्तों, एकदम शांत वातावरण, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं फिर कल वाले ब्लॉग में, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग देखेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।